अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लो। प्रोसेस मिक्स डन। एक सवाल प्रोसेस मिक्स का दे देता हूँ, होमवर्क कर आएंगे तो मेहरबानी आपकी। एक सवाल वो एक सवाल है जी, ऑटम 20 क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी, इसका सलूशन दिया था अपने फॉर्मेट पे, आई के पहले से कोई इख्तलाफ नहीं, बस अपने फॉर्मेट पे दिया है। और इस सवाल में एक अमेंडमेंट कर लें, फिर आप जब कल करके आएंगे तो उसकी वजह बताऊंगा। ऑटम 20 क्वेश्चन नंबर 5, यानी सितंबर 20 क्वेश्चन नंबर 5। इस सवाल में एक वर्ड चेंज कर लें, करके आएंगे तो बताऊंगा। हाँ जी, सियारा पाकिस्तान नहीं, प्यारा पाकिस्तान तो है लेकिन ये सियारा है। इस सवाल में ना पॉइंट नंबर टू में एक वर्ड करा रहा हूँ चेंज, बताता हूँ। अच्छा, इसका सलूशन है जो आपको पिछली क्लास में दिया था और आप लोगों के कोर्स में। इसमें आप ऐसा करें कि इसमें पॉइंट नंबर टू में ड्यूरिंग द मंथ 225,000 kg लिखा हुआ है, 225,000 kg फॉर डायरेक्ट मटेरियल वॉज इश्यू टू प्रोसेस वन। आप इसी के साथ ब्रैकेट में लिख लें, ये जो लिखा है ना पॉइंट नंबर टू में ड्यूरिंग द मंथ, मैं सितंबर 2020 क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा हूँ। होमवर्क है ये सवाल, इसका सलूशन मैंने अपने फॉर्मेट पे दिया आपको, वैल्यूज में कोई इख्तलाफ नहीं आई कैप से मुझे। ड्यूरिंग द मंथ 225,000 kg ऑफ डायरेक्ट मटेरियल वॉज इश्यूड टू प्रोसेस वन, ब्रैकेट में लिखें, जो लिखा हुआ उसको काटने नहीं है, उसके अलावा ब्रैकेट में एक बात लिखवा रहा हूँ, फॉर 225,000 यूनिट्स फॉर 225,000 यूनिट्स। बस ये ब्रैकेट में साथ लिख लें, यानी क्वांटिटीज कैजुअल जब बनाएंगे तो उसमें इनपुट क्या लिखेंगे, 225,000 कौन सा, ये केजी या ये जो यूनिट बताया, ये एक गैर अखलाकी हरकत है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो आप जब कल सॉल्व करके आएंगे तो उसकी रीज़न बताऊंगा क्यों नहीं करना चाहिए था। सवाल के टॉप पे नहीं, पहले पैराग्राफ के नीचे जहां स्टैंडर्ड की इंफॉर्मेशन दी हुई है, वहां सब कुछ दिया हुआ है डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट,
पर यूनिट, यानी एक यूनिट बनाने के लिए कितना मटेरियल लगेगा, तो वो एक केजी ही है। इवन देन आपने यहाँ ब्रैकेट में 225,000 यूनिट्स लिखना है। आप कल करके आएंगे तो डिस्कस करूँगा कि क्यों किया मैंने ऐसा। ओके चलें, इसका पार्ट ए तो वेरिएंसेस का है, और पार्ट बी में आपको अभी एक चीज सिखाने लगा हूँ, वो है सितंबर 20 क्वेश्चन 5 होमवर्क करना जरूर है यार। ये सारे अब चैप्टर्स बड़े सारे इंपॉर्टेंट ही चल रहे हैं, आपका होमवर्क बहुत जरूरी है आपके लिए। मैं सारे सवाल नहीं कर सकता बोर्ड के ऊपर, और अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे तो फिर उसकी डिस्कशन से जो फायदा होना था वो नहीं हो सकेगा। ठीक है, ये होमवर्क है। अच्छा, इसमें पार्ट बी में एक चीज पूछी है, उसके लिए सिखाने लगा हूं। पहले एक दो मिसालों से समझ लें, फिर हेडिंग देता हूँ कि मैं क्या सिखा रहा हूँ। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है, अगर पूरा फार्मूला हो तो? स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल कॉस्ट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट हो 20 रुपये किलो, स्टैंडर्ड क्वान्टिटी हो 40,000 किलो, एक्चुअल कॉस्ट हो 24 रुपये और एक्चुअल किलो लगे हो 42,000, तो इसका आंसर बताइए। मटेरियल प्राइस वेरिएंस स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी माइनस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी 20 रुपये इंटू 42 माइनस 24 इंटू 42 168,000 मटेरियल क्वांटिटी वेरियंस एस सी इंटू एस क्यू माइनस। अच्छा सीरियसली, फार्मूले याद करने में बेहतरी हुई है कि नहीं हुई? हाँ, तो ये प्रैक्टिस से होगी और बेहतरी। इसकी क्या इंटरप्रिटेशन है? टोटल एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट, यानी जितनी प्रोडक्शन हुई उसके लिए मटेरियल कॉस्ट इतनी हुई। जितनी प्रोडक्शन हुई उसके लिए इतनी मटेरियल कॉस्ट लगनी चाहिए थी। एसी इंटू एक्यू कितना? आंसर 100,000। और एससी इंटू एसक्यू बताइएगा। ये मटेरियल प्राइस वेरिएंस कितना? पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस पॉजिटिव नेगेटिव? ये देखें टैली कर रहा है। क्यों क्यों कर गया टैली? दिस माइनस माइनस ये क्यों आ गया? नीले नीले का फर्क ही मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है, और उसी को दो में तोड़ते हैं। ये जो मैंने सामने किया है इसको कहते हैं कि हमने मटेरियल कॉस्ट की रिकंसिलिएशन की है। इससे पहले जो रिकंसिलिएशन कर रहे थे वो प्रॉफिट की रिकंसिलिएशन थी, कि कितना प्रॉफिट सोचा था कितना हुआ। ये कॉस्ट की भी रिकंसिलिएशन पूछी जा सकती है।
अगर तो पूछी गई है किसी एक एलिमेंट की, जैसे मटेरियल की रिकंसलेशन पूछ ली, लेबर की पूछ ली, वेरिएबल ओवरहेड्स की पूछ ली, फिक्स्ड ओवरहेड्स की पूछ ली, तो उसका तरीका यह है कि आप एक्चुअल से स्टार्ट करें, उस पर्टिकुलर एलिमेंट के वेरियंसेस लिखें और एंड आंसर बराबर आना चाहिए स्टैंडर्ड। ये कॉस्ट्स की रिकंसलेशन पूछी हो तो ये तरीका होता है। एक और मिसाल देख लें, अगर अभी कच्ची कच्ची बात समझ आई है तो, लेबर कॉस्ट वेरियंस का फार्मूला, स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स, मैक्सिमम वाला कर देता हूँ, एक्चुअल रेट इनटू स्टैंडर्ड रेट कर लेते हैं 100 रुपये पर आवर, स्टैंडर्ड आवर्स पेड कर लेते हैं 30,000 और एक्चुअल रेट 96 और एक्चुअल आवर्स पेड 34,000 26 ट्रिपल। अच्छा, लेबर रेट वेरिएंस स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स, कौन सी एक्चुअल आवर्स पेड, माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स पेड, 100 into 34,000 माइनस 96 into 34,000 136 लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स वर्क माइनस स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स वर्क 4 में तो नहीं रहते आप, क्लास पहले तो नहीं देख ली। स्टैंडर्ड और वर्क मैंने लिखे नहीं थे अभी, क्या बराबर है? नहीं बराबर ना। जी 350 बस 350 और आइडल टाइम वेरिएंस स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स आइडल वाले माइनस स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स आइडल वाले 100 इनका फर्क, एक्चुअल आवर्स पेड और एक्चुअल आवर्स वर्क का फर्क 2500 50,000। अच्छा, सारी फिगर्स मैंने अभी खुद ही अज्यूम की हैं, इस वक्त आपको सिर्फ बता ही रहा हूँ कि अगर कॉस्ट की रिकंसलिएशन मांगी हो तो कैसे करनी है। ये क्या चीज़ है? एक्चुअल लेबर कॉस्ट, ये एक्चुअल लेबर कॉस्ट कितनी, दिस इनटू दिस 3 to 4 triple 0 लेबर रेट वेरिएंस 136 पॉजिटिव, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस 350,000 नेगेटिव, आइडल टाइम वेरिएंस 50,000 एडवर्स। ये बराबर आना चाहिए इसके, इसको कहेंगे लेबर कॉस्ट की रिकंसिलिएशन।
तो अगर आपसे किसी एक एलिमेंट की कॉस्ट की रिकंसलेशन मांगी जाए तो आप उसको एक्चुअल से स्टार्ट करेंगे, उससे रिलेटेड सारे वेरिएंसेस लिखेंगे, तो जो आंसर है, है? नहीं ऐड नहीं कर रहे, रिकंसलेशन कैसे बनाते हैं? नहीं नहीं ऐड नहीं कर रहे, जो पॉजिटिव है उसको ऐड कर रहे हैं, जो नेगेटिव उसको लेस कर रहे हैं। वेरिएंस के फार्मूले जिस हालत में निकल रहे हैं ना वैसे लिख रहे हैं। प्रॉफिट की रिकंसलेशन में हम बजटेड से शुरू करते थे, एक्चुअल तक पहुंचते थे, और उसकी वजह ये थी कि फार्मूलों की शक्लें ऐसी हैं कि प्लस माइनस अकॉर्डिंगली लिख दें। अब चूंकि कॉस्ट की बात हो रही है तो इसलिए एक्चुअल से शुरू करेंगे और फिर स्टैंडर्ड के करीब पहुंचेंगे। तो अगर आपसे किसी एक एलिमेंट की रिकंसलेशन का कहा है, आपसे कहा है मटेरियल कॉस्ट की रिकंसलेशन बना दें, लेबर कॉस्ट की रिकंसलेशन बना दें, वेरिएबल ओवरहेड की रिकंसलेशन बना दें, या इवन क्या आपसे कहा जाता है ओवरहेड्स की रिकंसलेशन बना दें, तो ओवरहेड्स की रिकंसलेशन में क्या करेंगे? वेरिएबल फिक्स दोनों को मिला के एक्चुअल टोटल ओवरहेड्स और अप्लाइड टोटल ओवरहेड्स। ये काम ऑटम 17 में किया है इनफैक्ट हमने। दोबारा सुने, अगर आपको सिर्फ मटेरियल लेबर ओवरहेड्स के नाम लेके रिकंसलेशन कही जाती है तो जिसका नाम लिया गया है उसकी एक्चुअल से शुरू करें, उसके वेरिएंसेस लिखें जिस शक्ल में निकले प्लस माइनस जैसे भी, और एंड आंसर उस मटेरियल के स्टैंडर्ड या लेबर के स्टैंडर्ड के बराबर आ जाएगा। अगर आपसे सिर्फ वेरिएबल ओवरहेड के वेरिएंसेस कहे हैं तो एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड से शुरू करें, वेरिएबल ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, और वो बराबर आना चाहिए SR इंटू SH, यानी अप्लाइड के बराबर आ जाएगा। SR इंटू SH अप्लाइड। अगर आपसे फिक्स्ड ओवरहेड के वेरिएंसेस मांगे हैं तो एक्चुअल से शुरू करें, उनके वेरिएंस लिखें तो अप्लाइड के बराबर आ जाएगा। है नहीं? अच्छा, पहले मटेरियल लेबर और वेरिएबल की बात पक्की कर लें, पहले इसको समझ लें, फिक्स्ड की फिर बात करता हूं। ये मिसालें अगर नोट करनी है तो कर लें। ये टॉपिक मैंने ये बताया कि अगर कॉस्ट्स की रिकंसलेशन मांगी हो तो जिस एलिमेंट का नाम लेके उसकी रिकंसलेशन मांगी है, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स, उनके एक्चुअल से शुरू करें, उनसे रिलेटेड वेरिएंसेस लिखें, और उसको रिकंसाइल होना बनता है उस एलिमेंट की स्टैंडर्ड कॉस्ट।
हाँ जी नोटेड। अच्छा आप इसकी जो मैं आपको बात कर रहा हूँ एक सॉर्ट ऑफ फॉर्मेट्स की भी शक्ल दिखा देता हूँ चारों की। जैसे अगर मटेरियल की रिकंस्ट्रक्शन कहाँ है, ये तो मिसालें बना के दिखा दी ना, अब इनको एक फॉर्मेट की शक्ल भी दिखा देता हूँ। अगर मटेरियल की रिकंस्ट्रक्शन मांगी है तो एक्चुअल डायरेक्ट मटीरियल कॉस्ट, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, और ये बराबर आएगा स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट के। ये मटेरियल की रिकंस्ट्रक्शन है। या इसी तरह से जब मैं आपको कल पढ़ा दूंगा ना मिक्स और यील्ड वेरिएंस, इसकी जगह वो हो जाते हैं, ये जो MQV लिखा है मैंने, इसकी जगह मजीद दो टुकड़े होते हैं, उनको मिक्स वेरियंस और यील्ड वेरियंस कहते हैं। ये कल पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। तो वो हुए तो उसकी जगह वो दो आ जाएंगे। इसी तरह अगर आपसे पूछी है लेबर कॉस्ट की रिकंसिलिएशन, तो लेबर की एक्चुअल कॉस्ट और इसमें लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, आइडल टाइम वेरिएंस, और ये किसके बराबर आ जाएगा, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट। क्या मुराद है स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट से? जबरदस्त हाँ जी नहीं आएगा। ये मुराद है एक्चुअल लेबर कॉस्ट और स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट से। अच्छा ओवरहेड्स का मैं इकट्ठे ही लिख देता हूँ। अगर वेरिएबल फिक्स हुए तो वो तो आप समझदार हैं तोड़ ही लेंगे। ओवरहेड्स की रिकंसिलिएशन, एक्चुअल टोटल ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड्स एफिशिएंसी वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड्स कैपेसिटी वेरिएंस, ये
ये नीली वाली बात समझ आती। अगर सवाल में एफिशिएंसी और कैपेसिटी वेरिएंस भी नाम लेके पूछे हुए हैं तो फिर ये आएंगे, ये नहीं आएगा। और ये सब बराबर आने चाहिए किसके, अप्लाइड के। स्टैंडर्ड बेसिकली अप्लाइड ही हैं। ये असल में वो चीज़ है जो हमने उस दिन ऑटम 17 किया था ना, जिसमें कहा था कि अंडर ओवर अप्लाइड को एनालाइज करें, तो वो ये काम था कि इन दोनों के डिफरेंस को एनालाइज करना था। इन दोनों का डिफरेंस किस वजह से, तो उसमें हमने यही निकाले थे, यही पांच निकाले थे, 1, 2, 3, 4, 5। तो ओवरहेड्स की रिकंसिलिएशन अगर कही हो तो ये कहा हुआ है। और अगर कहो टोटल कॉस्ट की रिकंसिलिएशन, प्रॉफिट नहीं, टोटल कॉस्ट की रिकंसिलिएशन, तो दिस प्लस दिस प्लस दिस, इससे स्टार्ट करेंगे, सारे वेरिएंसेस लिख देंगे और उनका एंड आंसर दिस प्लस दिस प्लस दिस आना चाहिए। अगर कहा हो मटेरियल कॉस्ट की रिकंसिलिएशन बना दें, लेबर कॉस्ट की रिकंसिलिएशन बना दें, तो मटेरियल की ये है, लेबर की ये है, ओवरहेड्स की वो है। और अगर कहा हो कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की रिकंसिलिएशन बना दें, तो यानी सबकी कंबाइन कह रहे हैं, तो इन तीनों के टोटल थे दिस प्लस दिस प्लस ओवरहेड्स, इनसे स्टार्ट सारे वेरियंसेस और एंड इसके बराबर, इसके बराबर और इसके अप्लाइड के बराबर आएगा। ये जो सवाल होमवर्क दिया है उसमें ये पार्ट बी कहा हुआ है, हाँ जी। ये बात कॉस्ट वाली लिख ली, ये लिख भी लेना मैंने जो कहा है, अगर टोटल कॉस्ट रिकंसिलिएशन मांगी हो तो ठीक है। ये हो गई कॉस्ट रिकंसिलिएशंस। वेरिएंस एनालिसिस में अब तक आपको मैंने सारे वेरिएंसेस बताए और उनकी प्रैक्टिस के लिए
किए हैं यार, काफ़ी सारे सवाल किए हैं। अब इस चैप्टर का एक हिस्सा जिसमें आपको मिसिंग फिगर्स टेस्ट हो सकती हैं, और मिसिंग फिगर्स टेस्ट होने से मेरी मुराद ये है कि रिवर्स चलना पड़ सकता, यानी आपको वेरिएंसेस बताए होंगे और उनसे वापस चलना होगा, क्योंकि अगर किसी चीज़ के कॉन्सेप्ट्स चेक कर रहे हो ना तो रिवर्स करवाया जाता, अगर ड्राइविंग भी चेक करनी हो तो रिवर्स चलवा के देखते हैं, तो इसलिए इसमें एग्जामिनर आपसे रिवर्स चलवा के देख सकता है। लास्ट टाइम रिवर्स वाला सवाल आया। अच्छा, रिवर्स कैलकुलेशंस में मेरे पास आपको सिखाने का कुछ नहीं है, तो ये हो गई। मतलब मैं क्या सिखाऊं उसमें आपको? अम्मा अब्बा ने उल्टा चलना सिखाया है या सीधा चलना सिखाया? तो वो तो सीधा चलना ही सिखाएंगे ना, उल्टा तो फिर खुद ही सीखेंगे चलना। तो रिवर्स कैलकुलेशंस आपको आती हैं, मैंने सिर्फ दो चार सवालों की प्रैक्टिस करा के आपको दिखानी है कि आता है काम आपको। हाँ, मैं आपको टिप्स ज़रूर बता सकता हूँ, वो बता देता हूँ। इसमें एक ही टिप है कि आपको जो भी फिगर गिवन है, जैसे वेरियंस हो सकता है आपको कुछ वेरियंसेस गिवन हो और उनसे ऊपर चल के पूछना हो कि स्टैंडर्ड कार्ड बना के दे दें, या हो सकता है वेरियंसेस दे के पूछें बताएं एक्चुअल आर्ट्स कितने थे। तो टिप सिर्फ इतनी है कि जो वेरियंसेस सवाल में गिवन है, बल्कि इसको मैं ऐसे बताता हूँ कि कोई मर्डर इन्वेस्टिगेशन करते हुए ना, अगर किसी कोई मर्डर इन्वेस्टिगेशन वाली मूवी देखी हो तो है ना, तो CID नहीं वो तो तो उसमें एक कॉमन बात ये होती है कि जो इन्वेस्टिगेटर होता है उसको जहाँ जहाँ जो जो भी क्लू मिल रहे होते हैं उसने बड़ा सा एक बोर्ड बना के उस पर सारे क्लू सामने रखे होते हैं। जब सामने उन क्लूज़ को रखेगा फिर कुछ ना कुछ मिसिंग लिंक मिलेंगे। तो आपको जितने वेरियंसेस सवाल में दिए हुए हैं सारे आप पेज पर लिख लें, और ऐसे लिख लें कि वो वेरियंस कैसे निकला होगा, उसका फार्मूला लिख लें। जब आप सारे सवाल के अंदर गिवन वेरियंसेज एक पेज पर लिख देंगे, उनके सारे फार्मूले खोल लेंगे, फिर पूरी पिक्चर सामने होगी तो मिसिंग लिंक मिलना शुरू हो जाएंगे। यही हिंट है इसके लिए कि आपको जो वेरिएंसेस दिए हैं उनको लिख लें पेज पे सारे उनके फार्मूलों के साथ, जब सारे फार्मूले सामने होंगे तो फिर मिलने शुरू हो जाएंगे हिंट्स। एक दो वैसे ही छोटे छोटे सवाल देख लेते हैं और फिर एक पास्ट पेपर का सवाल करा देता हूँ। सवाल लिखिए। सवाल लिखें जी। एक्चुअल मटेरियल यूज्ड, एक्चुअल मटेरियल यूज्ड, ₹4,000 kg, एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट, एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट ₹18 per kg, और मटेरियल प्राइस वेरियंस, मटेरियल प्राइस वेरियंस 16,000, 16,000 फेवरेबल। SC बता दें, SC स्टैंडर्ड कॉस्ट पर किलो, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर किलो बता दें।
हाँ जी कितनी 20, बिल्कुल ठीक है शाबाश। अब इसमें देखिए आपको मटेरियल प्राइस वेरियंस दिया था, तो आप देखिए निकला कैसे होगा, एस सी इंटू ए क्यू माइनस ए सी इंटू ए क्यू। अब इसमें से ये मिसिंग है, ये कितना 16,000 फेवरेबल मतलब पॉजिटिव, एस सी नहीं पता, ये 4,000 माइनस 18 इंटू 4,000, तो यहाँ से एस सी निकल आएगा। ये मुराद है मेरी रिवर्स कैलकुलेशन से। चलें एक और लिख लें कि इसमें मल्टीपल यूज़ हो रहे हैं वापस में, एक और लिख लें, इसमें कोई मुश्किल परेशानी है तो बताएं। ठीक है एक और लिख लें, जी बताऊं, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, ये है जी 20,500 एडवर्स, 20,500 एडवर्स, 20,500 एडवर्स। लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस 22,700 फेवरेबल, 22,700 फेवरेबल। स्टैंडर्ड आवर्स 4,500, एक्चुअल आवर्स 4,100। चारों फिगर्स रिपीट कर रहा हूँ, एक मैंने बताया है लेबर रेट वेरिएंस, वो है एडवर्स 20,500, 20,500, एक मैंने बताया है लेबर कॉस्ट वेरिएंस 22,700 फेवरेबल, एक मैंने बताए हैं एसएच वो 4,500 है, और एक बताए हैं एएच ये 4,100 है। स्टैंडर्ड रेट पर आर बता दें, एसआर बता दें, जी बिल्कुल ठीक है 108।
जी बिल्कुल ठीक है 108। क्या क्या पता है? लेबर रेट वेरियंस ये होता है एस आर इंटू ए एच माइनस ए आर इंटू ए एच। अच्छा हमें चाहिए एस आर, लेकिन इसमें ये भी नहीं पता और ये भी नहीं पता, तो इससे तो मसला हल नहीं होगा। लेबर कॉस्ट वेरियंस स्टैंडर्ड रेट इंटू माइनस इंटू, इससे भी मसला हल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें ये भी नहीं पता और ये भी नहीं पता। अच्छा हो सकता है किसी ने किसी और तरीके से कर लिया हो, मतलब कोई एक ही रास्ता नहीं होता कहीं पहुंचने का। मैं एक तरीका बता रहा हूँ, ये एक रास्ता ट्राई करते हैं। लेबर कॉस्ट वेरियंस डबल टू 700, लेबर रेट वेरियंस 20,500। अब यहाँ से ये निकल सकता है लेबर एफिशिएंसी वेरियंस इज इक्वल टू 43। लेबर एफिशिएंसी से काम चल जाएगा, स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आर माइनस स्टैंडर्ड रेट इनटू एचओ, यहाँ से चल जाएगा काम, स्टैंडर्ड रेट निकल आएगा। ये मुराद है रिवर्स कैलकुलेशन से, कि आपको वेरियंसेस बता के, तो मिसिंग फिगर पूछी हो सकती है, वो स्टैंडर्ड रेट भी हो सकता है, स्टैंडर्ड आर्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। और अगर बिल्कुल ही रिवर्स चलाना है तो हो सकता है आपको वेरियंसेस बता के कहें कि स्टैंडर्ड कार्ड बना दें, ये एक बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल है। तरीका यही है उसका। एक पास पेपर का सवाल देख लेते हैं, आप कर लीजिए पढ़ लीजिए। अच्छा जी हमारे पास है तकरीबन कोई एक घंटा, 10 मिनट नहीं है भाई, यानी आधा घंटा तो है। खैर कर लेंगे आधा घंटा। स्प्रिंग है क्या होगा? कर लेंगे आप। स्प्रिंग है, देखो ना रोक देते पर सवाल कैसे होगा यार। स्प्रिंग 2010 क्वेश्चन 4। स्प्रिंग 2010 क्वेश्चन 4। जी अभी हम करेंगे मिलके। स्प्रिंग यानी मार्च 2010। मार्च 2010 क्वेश्चन नंबर 4। चलें जितना होता है उतना तो करते हैं ना, अगर अच्छा लग रहा हो आपको तो पूरा कर लेंगे, नहीं लग रहा हुआ तो कर लेंगे फिर भी। मेरी शक्ल क्या देखना, सवाल पढ़े ना।
करना तो मैंने है लेकिन पढ़ना आपने ही है। इतना बड़ा सवाल पढ़ भी लिया, यार फिर तो नहीं होगा आधे घंटे में, आप इतनी देर लगाएंगे तो पढ़ लिए। समझ कुछ नहीं आई कोई बात नहीं, बस पढ़ना ज़रूरी था, ज़्यादा ये ज़रूरी था, मैं ईमानदारी से पढ़ते। पहले पैराग्राफ में तो बस सलाम दुआ ही है कि यू हैव रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज फाइनेंशियल कंट्रोलर। हाय हुए, यू हैव रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द फाइनेंशियल कंट्रोलर, मतलब आपको तो अम्मी 500 रुपए से ज्यादा नहीं देती कि घुमा दोगे, और बतूल लिमिटेड ने आपको फाइनेंशियल कंट्रोलर अपॉइंट कर लिया। योर इमीडिएट टास्क टू इज टू प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन ऑन कंपनीज परफॉर्मेंस फॉर द रिसेंटली कंक्लूडेड ईयर। अच्छा चलो ये तो सलाम दुआ हो गई। अब फॉरेन इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल है वो ये है। पॉइंट नंबर वन, एनुअल प्रोडक्शन वॉज, ये क्या है एक्चुअल प्रोडक्शन। और पॉइंट नंबर टू में स्टैंडर्ड कार्ड की इंफॉर्मेशन है, ठीक है। पॉइंट नंबर थ्री में वेरियंसेस दिए हुए हैं, मटीरियल एक्स है वाई है, दो मटीरियल्स हैं उनके वेरियंसेस दिए हुए हैं। पॉइंट नंबर फोर में कहा हुआ है एक रिलेशनशिप के ओपनिंग और क्लोजिंग मटेरियल के इन्वेंट्रीज कितनी किस तरह से कैलकुलेट होती हैं, ये मैं अभी आपको कैलकुलेट करते हुए बताता हूँ। एक्चुअल लेबर रेट वॉज इतना हायर, ये किस लिए है, ताकि आप स्टैंडर्ड रेट से 10-5% बढ़ा के एक्चुअल रेट निकाल सकें। पॉइंट नंबर सिक्स, एक्चुअल आवर्स वर्कड वर इतने, ये एक्चुअल आवर्स हैं। और स्किल्ड और अनस्किल्ड के अलग अलग क्यों चाहिए, क्योंकि दो अलग अलग तरह की लेबर है। और लास्ट पॉइंट, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स ड्यूरिंग द ईयर इतने हैं, ये क्या है, ये एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स हैं। और फिक्स्ड ओवरहेड्स वर 6% मोर देन बजटेड, बजटेड की फिगर को 6% बढ़ा के एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, तो इसमें से क्या नहीं समझ आई बात है। पॉइंट फोर, कोई बात नहीं मैं सॉल्व करके देता हूं।
ये ऐसे हो जाएगा अभी ऐसे। रिक्वायर्ड ए। अच्छा बाकी सारा डाटा जो है ना वो तो वेरियंसिस के लिए दिया हुआ है, तो वेरियंसिस के तो आप चीते चीतियाँ हो गए हुए हैं। मैं तो अभी पार्ट ए के लिए सवाल करा रहा हूँ, वेरियंसिस हो जाएंगे मैं कर दूंगा बोर्ड पे अगर आप कहेंगे तो, कोई मसला नहीं है। लेकिन अभी मेन मकसद मेरा इस सवाल को करने का एक्चुअल परचेजेस निकालना है। निकाल लेते हैं जी। हाँ ये बात, अब देखिए एक्चुअल परचेजेस से क्या मुराद है, ए क्यू परचेज्ड या टोटल परचेजेस रुपीज फॉर द ईयर। एक्चुअल परचेजेस, टोटल परचेजेस रुपीज, यानी क्योंकि एक्चुअल परचेजेस फॉर ईच टाइप, तो परचेजेस जनरली तो रुपए को ही कहते हैं, तो इसमें हमें ए क्यू नहीं निकालना, ए सी इंटू ए क्यू निकालना है, हमें टोटल परचेजेस की अमाउंट निकालनी है। तो मिसिंग फिगर आ गई क्योंकि वेरियंसेस दिए हुए और ए सी इंटू ए क्यू पूछा है, ठीक है। पॉइंट फोर की वर्डिंग समझ नहीं आई, कोई बात नहीं। उसके अलावा ओवरऑल सवाल की अगर जो मैंने अभी समरी बताई है इसमें कोई पॉइंट ना समझ आया हो तो पूछें, पॉइंट फोर इग्नोर, ओके। बाकी अब हमें परचेजेस निकालनी है ऑफ ईच टाइप ऑफ मटेरियल, यानी ये सवाल मटेरियल एक्स के लिए भी सॉल्व करना है, मटेरियल वाई के लिए भी सॉल्व करना है। एक्स और वाई की परचेज निकाल रहा हूँ, बस वेरियंस नहीं कर रहा अभी, उसके लिए नहीं मैं कर रहा ये सवाल। क्वेश्चन फोर स्प्रिंग टेन पार्ट ए, मटेरियल एक्स करते हैं सॉल्व। क्या क्या पता है इसके बारे में? मटेरियल प्राइस वेरियंस पता है, जो के होता है एस सी इंटू ए क्यू। कौन सा देखना पड़ेगा कि केस वन है कि केस टू है, फिर वन है। अच्छा केस वन टू पहचानने के लिए पॉइंट फोर समझाना जरूरी है, पॉइंट फोर समझाता हूं। पॉइंट फोर में लिखा हुआ है कि ओपनिंग रॉ मटेरियल की जो इन्वेंट्री थी वो कितनी थी, 25 दिन की कंजम्पशन के बराबर थी। यानी अगर पूरे साल में 360,000 किलो कंज्यूम होना है तो ये क्या हुआ, एक दिन की कंजम्पशन, 25 दिन की कंजम्पशन। इसका जो आंसर आएगा वो ओपनिंग स्टॉक था, ये मतलब है इस अंग्रेजी का, ओपनिंग रॉ मटेरियल इन्वेंट्री कंप्राइज्ड ऑफ 25 डेज ऑफ स्टैंडर्ड कंजम्पशन। यानी एस क्यू, स्टैंडर्ड कंजम्पशन मतलब एस क्यू के 25 दिन के बराबर। तो एस क्यू तो हम सवाल चूंकि साल का सॉल्व कर रहे हैं, साल का है महीने का है जी, कैसे पता? ऊपर सवाल का डाटा सारे ईयर का ही है, एनुअल एनुअल वर्ड यूज हो रहा है। तो स्टैंडर्ड मटेरियल कंजम्पशन यानी एस क्यू जो कि पूरे साल की फिगर होगी उसके 25 दिनों के बराबर। ये पॉइंट फोर के पहले सेंटेंस नहीं, पहले हाफ, पहली लाइन का मतलब है। और क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी, अच्छा जो परेशान हो कि 360 क्या है, तो मैंने अभी लिखा 360, कुछ नहीं है सवाल में। वेयर एज क्लोजिंग इन्वेंट्री कंप्राइज ऑफ 20 दिन ऑफ स्टैंडर्ड कंजम्पशन। हाँ जी, तो पॉइंट फोर की अंग्रेजी पढ़ के देख लीजिए, ये बात समझ आती है कि नहीं? पॉइंट फोर की अंग्रेजी, अच्छा इससे एक तो ये पता चल रहा है कि ओपनिंग क्लोजिंग बराबर नहीं है। तो जब ओपनिंग क्लोजिंग बराबर नहीं है तो परचेज्ड और यूज्ड भी बराबर नहीं है,
तो केस टू है, केस टू है। अच्छा केस टू है तो अगला फैसला ये करना होता है कि सिनेरियो ए है या बी है। सिनेरियो ए होता है इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट, और बी होता है इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट एक्चुअल कॉस्ट। ये चीज़ सवाल में मेंशन तो नहीं है, लेकिन पॉइंट फोर नहीं, बाय डिफॉल्ट नहीं, पॉइंट नंबर फोर से एक निशानी मिल रही है कि ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक को वो स्टैंडर्ड के साथ जोड़ रहा है, उसका लिंक ही स्टैंडर्ड के साथ बना रहा है। इससे हिंट मिल रहा है कि इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो केस टू सिनेरियो ए। हाँ जी, केस टू कैसे? ओपनिंग क्लोजिंग बराबर नहीं है मटेरियल का, तो परचेजेस और यूज कैसे बराबर हो सकते हैं? ये बात पक्की बात है? अच्छा क्लास में अगर बैठे हैं ना और मैंने जबरदस्ती मारपीट के नहीं बिठाया तो पूछें अगर कोई मसला हो तो। ओपनिंग रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, क्लोजिंग रॉ मटेरियल इन्वेंट्री बराबर नहीं है तो परचेज्ड और यूज्ड बराबर नहीं है, या तो ज़्यादा ख़रीदा होगा कम इस्तेमाल किया होगा, या ज़्यादा इस्तेमाल हो गया होगा कम ख़रीदा होगा, नहीं है परचेज यूज बराबर, तो केस टू है। और पॉइंट फोर में जिस तरह से ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक को लिंक स्टैंडर्ड के साथ किया हुआ है, उससे हिंट मिल रहा है कि इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो केस टू सिनेरियो ए, यानी एस सी इंटू ए क्यू परचेज। और इस सवाल की रिक्वायरमेंट है ये, एक्चुअल परचेजेस फॉर द ईयर, ये रिक्वायर्ड है। अब इसके लिए हमें मटेरियल प्राइस वेरिएंस पता है कितना, पॉइंट नंबर थ्री, मटेरियल एक्स का प्राइस वेरिएंस 95,000 एडवर्स है, स्टैंडर्ड कॉस्ट पता है एक किलो की, पॉइंट नंबर टू, 50 रुपये इंटू एक्चुअल कितने किलो परचेज किए नहीं पता, तो ये पता चलेगा, तो ये पता चलेगा, ये काम यहीं छोड़ देते हैं। और कोई हिंट मटेरियल का? मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस भी है उसी पॉइंट थ्री के अंदर, टू थ्री पता नहीं, थ्री मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस है ना कि नहीं है? जीरो है ना, तो पता है ना, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू एसक्यू माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू एक्यू, क्या यूज्ड। हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअल मटेरियल परचेजेस निकालनी है, वेरिएंसेस दिए हुए हैं, इसका मतलब है कि रिवर्स कैलकुलेशंस वाला सवाल है। मटेरियल एक्स और वाई दोनों की, ईच दोनों की परचेजेस निकालनी है, रिक्वायरमेंट ए। मैंने पहले मटेरियल एक्स से शुरू किया है, दो वेरिएंस पता हैं, तो आपको कहा दो जो वेरिएंस पता है उनको लिख लें कागज़ पे। अब यहीं से निकलने हैं जो निकलने हैं, केस वन और टू कैसे पहचाना, और टू है तो ए और बी कैसे पहचाना। ओके अब ये केस टू ए है, इसलिए प्राइस वेरिएंस का फार्मूला ये है, यूजेज का ये है, दोनों फार्मूले लिख लिए पेज पे, जो जो जितना जितना पता है वो लिख लिया, और ये है जो हमें चाहिए आंसर, ये आंसर चाहिए, इस पे कोई एतराज़? इसमें क्या क्या पता है, ये क्या है, ज़ीरो, 50 नहीं पता, एस क्यू नहीं पता, हाँ हाँ कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर वन क्या है, एक्चुअल प्रोडक्शन आ गई, और स्टैंडर्ड कार्ड में कितने किलो लिखे हुए हैं, 6 किलो, तो एस क्यू हो गया 6 × 50, क्या जी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो यूज नहीं होती है, वो तो लेबर में था कि स्टैंडर्ड आर्स पेड हैं कि वर्ड हैं, मटेरियल में तो यूज ही है, मटेरियल में तो एस क्यू अलग अलग नहीं थे, एक ही था एस क्यू, 6 × 50, क्योंकि मैं सवाल एक्स का कर रहा हूँ अभी, वाई क्या करना है लेके,
इसको सॉल्व करेंगे तो ए क्यू यूज्ड आ जाएगा 300,000। इसको सॉल्व किया यार, अब ये सॉल्व क्या जीरो आ रहा है, कैसे जीरो आ गया, कैसे आ गया जीरो, कैसे आ गए भाई जीरो बताओ ना। ये सारा इधर लिख लें, पचास पचास कैंसिल हो जाएगा, 300,000 बच जाएगा पीछे। अच्छा, मैंने आपको ये प्रोसीजर बताने के लिए पूरी बात लिख दी, वरना इसके लिखे बगैर भी एक यू यूज 300,000 ही आना है, क्योंकि मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस जीरो का मतलब है उतने ही किलो लगे जितने लगने चाहिए थे। तो अगर आप एस क्यू निकालें तो वही ए क्यू ही होना था, तो ए क्यू यूज निकल आया, बस इसी की कमी थी, ये लिखना है। तो फिर काम नहीं बना ना अभी, आप क्या करें। हाँ जी बिल्कुल, शाबाश। अगर हमें पता है कि कितने किलो इस्तेमाल हुए, ओपनिंग क्लोजिंग पता हो, तो परचेजेस नहीं निकल आएंगे। एक्चुअल क्वांटिटी यूज होती है ओपनिंग रॉ मटेरियल के किलो प्लस परचेजेस के किलो माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल। ये कितना है? अच्छा, आप ना एक बोझ लेके बैठे हैं कि क्लास कब खत्म होगी, फिर समझते नहीं है ना बात। ये कोई बहुत अनोखा काम नहीं कर रहे, मिसिंग फिगर्स हिंट निकलते हैं। अब ये दो वेरिएंस दिए हुए थे, दोनों को लिख लिया कागज पे, जो जो जिसके बारे में पता था वो लिखा। अब ये सॉल्व नहीं हो सकता था, ये हो गया एक यू यूज आ गया, लेकिन हमें एक्चुअल परचेज चाहिए, यूज नहीं चाहिए। अब सवाल में और हिंट ढूंढे, तो एक पॉइंट नंबर 4 में हिंट मिल गया कि हम रॉ मटेरियल ओपनिंग क्लोजिंग कर सकते हैं कैलकुलेट। वहां से अब मैं ये यहां तक पहुंच रहा हूं बात। ओपनिंग रॉ मटेरियल कितना, पॉइंट नंबर 4, स्टैंडर्ड कंजम्पशन यानी एस क्यू के 25 दिन के बराबर। एस क्यू कितना है? ये 300,000 नहीं, ये वाला 300,000। तो 300,000 इंटू 25 बाय 360, 360 भी ठीक है और 365 कर लें वो भी ठीक है। क्या जी? नहीं तो 30-60 से नहीं आएगा, 360 से भी आ जाएगा, 65 कर लें। हाँ कितने कर लें, 365 कर लें, 365 कर लें भी। माइनस क्लोजिंग 300,000 इंटू, यहां से परचेजेस निकालनी, टू 9, 5, 8, 9, 0 बस इतना ही है। खैर है,
बस हो गया मसला 904 पॉइंट है, खैर बस हो गया मसला हल। अब ये ए क्यू परचेज है, ये यहाँ आ जाएगा 295890, ये मिसिंग फिगर निकल आएगी। ये मुझे पता 295 है, लेकिन हमने ये निकालना है ये। तो अब इसको सॉल्व करें तो टोटल परचेजेज आ जाएंगी, ये माइनस में है, ये वहाँ ले जाएं, वो इधर ले आएं, 1488 9500। ये मटेरियल एक्स है और बिल्कुल इसी पैटर्न से मटेरियल वाई होना है। बल्कि इससे कम स्टेप में हो जाना है। चले ये तो नोट करें ना, तो इसका मतलब आपको सवाल करने में मजा आ रहा है तो हम पूरा करते हैं। इसको नोट तो करें ना, चलें जिसने जाना है जाए, मैं वाई कर देता हूँ, वाई बस सिर्फ मटेरियल वाई। बल्कि मटेरियल वाई की तो ये वेरिएंस भी नहीं है, नहीं है क्या हुआ? लिख लिया तो मिटा दें यार, इसमें क्या फाड़ दें पेज, फेंक दें रजिस्टर, कोई बात नहीं, लिख लिया तो मटेरियल वाई का क्वांटिटी वेरिएंस है बस, इसी से हल निकलेगा। क्या क्या पता है? ये क्या है? 150,000 एडवर्स, ये इनटू एक यूनिट के लिए कितने किलो, तो 3 किलो 50,000 यूनिट्स के लिए 150,000 केजी माइनस 30 एक यू यूज्ड, पता नहीं, इसको सॉल्व करें तीस से कट जाएगा, 150 से कट जाएगा, है ना? वन डबल फाइव ट्रिपल जीरो के किसके 25 दिन, इसके 150,000
150,000 के 20 दिन बस एक्चुअल परचेजेस लें जी, एक्चुअल परचेजेस 152945 किलो। अगर स्टैंडर्ड का खरीदते तो कितने का खरीदते? 30 रुपए का, लेकिन इतने का खरीदा। ये क्या, इतने किलो खरीदे, कितने के खरीदे? स्टैंडर्ड से 6% बिलो, सॉरी बिलो 0.94, 6% बिलो द स्टैंडर्ड प्राइस, यानी स्टैंडर्ड प्राइस से 6% सस्ता खरीदा। इतने किलो स्टैंडर्ड प्राइस से इतने सस्ते, 431 3049। बस ये था पार्ट ए। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।